आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तहतक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तहतक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। इटावा में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इटावा पुलिस की आधिकारिक फेसबुक प्रोफाइल लगे फोटो का स्क्रीनशॉट लेकर उनका उपयोग कर इटावा पुलिस के नाम से एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बना लिया गया, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार उक्त फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है एवं प्रकरण के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। न्यूज लाइव संवाददाता अमरेंद्र कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। फेसबुक आईडी जो है फेक बनाई गई थी, उस पे फोटो जो है इटावा पुलिस की लगाई गई थी, उसके द्वारा जैसे ही संज्ञान में आया उस आईडी को ब्लॉक करा दिया गया है। साइबर सेल हमारी जांच कर रही है, शीघ्र ही आगे कार्रवाई। कानपुर के नवबस्ता के यशोदा नगर में टला बड़ा हादसा। गैस टैंकर डिवाइडर तोड़कर रेलिंग से टकराया। टैंकर का टायर फटने के चलते हुआ यह हादसा। बाल बाल बचे चालक व क्लीनर। हादसे के बाद हाईवे पर घंटों बाधित रहा यातायात। पुलिस और हाईवे अथॉरिटी ने टैंकर को हटवाया। साक्षी फाउंडेशन राजधानी लखनऊ में लगातार लोगों की मदद कर रही है। आशियाना क्षेत्र में आज संस्था की अध्यक्ष ललिता शर्मा ने अपने सहयोगियों के साथ गरीब झोपड़पट्टी में रहने वालों को खाद्य सामग्री व दवाइयां वितरित की। संस्था के सदस्यों में मनीष गुप्ता, मनीष शुक्ला, दिव्यांश शर्मा, अनिल, गीतांजलि, इंद्रजी व किशोर जी मुख्य रूप से शामिल थे। हमारे संवाददाता अनिल यादव की रिपोर्ट। हाँ, मैं साक्षी फाउंडेशन की अध्यक्ष ललिता शर्मा हूँ। मैं सभी का यहाँ पे आभार व्यक्त करती हूँ कि मैं यहाँ पर आप लोग सभी सेवा दे रहे हैं और सभी के सहयोग से हम ये सेवा कार्य कर रहे हैं। हमारा सोचना है कि लोग कहते थे पहले नर सेवा नारायण सेवा, तो उसको लेकर के हम चल रहे हैं और सेवा भारती की तरफ से मैं प्रेरित हुई हूँ। उनकी सेवा भाव देख करके ही मैं प्रेरित हुई हूँ। और कहते हैं एक मनुष्य को खाना खिलाओ तो परमात्मा देखता है, तो मैं अगर एक का पेट भरती हूँ तो ऊपर वाला देख रहा है, वो हमारे दसों का पेट भरेगा, तो देने वाला तो ऊपर वाला है। मैं यही सोच करके कार्य कर रही हूँ कि दिन पर दिन ये कार्य हमारा बढ़ता रहे। तो वो सभी न्यूज़ चैनल वाले जो हमारे भाई हैं, ये हमको सपोर्ट करते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ फैला रहे हैं, बता रहे हैं कि जो हम सेवा भाव रोज कर रहे हैं वो उसको दिखा रहे हैं, उससे लोग जागरूक हो रहे हैं और हमको सेवा वो दे रहे हैं। जो भी यथा चीज़ उनके पास होती है वो हमको आटा दाल चावल का जो भी होता है वो हमको दान करते हैं और हम उसी से सब इकट्ठा करके हम अपने कार्यकर्ताओं द्वारा उसको बनवाते हैं। और हमारी जो बहनें हैं साथ में भाई हैं वो सब हम लोग मिल करके अपने पास से हम लोग जाते हैं, सब क्षेत्र क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं और ये कार्य हमारा ऐसे ही जारी रहेगा, दिन रात बढ़ता रहेगा। और मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करती हूँ कि आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक ये सब पहुँचाएँ हमारा, ताकि हम नहीं चाहते कोई जनता हमारी भूखी सोए, कोई बिना दवाई के मर जाए। हम ये चाह रहे हैं कि सारी जनता जो है हमारी खुशहाल रहे और दिनों दिन हम लोग रात दिन इसकी सेवा करते रहें, बस यही चाहते हैं। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज लाइव, खबरों की तहतक। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूँ अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तहतक।